हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके स्पेशल वाई एस पी सर पे। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आया है उसका माइक्रो एनालिसिस मैं प्रेजेंट करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो अब इस वीडियो में मैं जो प्राइमरी एजुकेशन है और जो सेकेंडरी एजुकेशन है उसका माइक्रो एनालिसिस करूंगा, उसी पे ये वीडियो बेस्ड है। और इसमें हम लोग देखेंगे कि एग्जिस्टिंग जो 10+2 पैटर्न है वो क्या है और 5+3+3+4 का पैटर्न क्या है, इसका हम लोग माइक्रो एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो अगर ये सब अच्छा लगता है तो आप ये वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और आधा अधूरा काम मत कीजिए, जो बेल घंटी है उसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑफ कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो बना रहा हूँ वो लगातार आपको उसकी सूचना मिलती रहे। और अगर इसमें कुछ जैसे मान लीजिए कि कोई वीडियो अगर आपका छूट जाता है तो समझ लीजिए कि एग्जाम के हिसाब से 2-3 प्रश्न आपका चला जाता है, तो इसीलिए हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको, इसलिए आधा अधूरा काम मत कीजिए, बेल को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑफ कर लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी हम लोग डिस्कस करेंगे प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन पे। तो जो एग्जिस्टिंग पैटर्न है वो 10+2 का पैटर्न है और जो नया पैटर्न इंट्रोड्यूस होगा 2022-23 का जो एकेडमिक ईयर होगा उसी साल से शुरू होगा, अभी नहीं शुरू होगा, अभी ये आया है, इसको कैबिनेट का मंजूरी मिला है। तो इसमें 5+3+3+4 का पैटर्न को समझेंगे कि दोनों में क्या सिमिलैरिटीज है, क्या क्या डिफरेंसेस है। तो इसमें देखिए जो 10+2 का पैटर्न है इसमें देखिएगा कि जो नो प्रोविजन फॉर प्री प्राइमरी एजुकेशन, मतलब उसमें देखिएगा फॉर्मल एजुकेशन का पार्ट नहीं है, नर्सरी एलकेजी यूकेजी, तो वो एक सिस्टम समझ में आ गया आपको कि, और ये जो नया सिस्टम होगा इसमें ये फॉर्मल एजुकेशन का पार्ट होगा, तो इसीलिए 3 साल देखिएगा ये बढ़ जाता है, 3 इयर्स जो है इंक्लूड हो जाता है। तो पुराना जो पैटर्न है उसमें जो प्री प्राइमरी एजुकेशन है उसको फॉर्मल एजुकेशन का पार्ट नहीं माना जाता है। फिर अब जब प्राइमरी एजुकेशन जिसको बोलते हैं तो प्राइमरी एजुकेशन में देखिएगा क्लास 1 टू 8 की जो पढ़ाई होती है वो प्राइमरी एजुकेशन है, क्लास 1 टू 8। तो प्राइमरी एजुकेशन को 2 भाग में बांटते हैं, एक को बोलते हैं लोअर प्राइमरी जो क्लास 1 टू 5 है और एक को बोलते हैं अपर प्राइमरी जो क्लास 6 टू 8 है। इस तरह से प्राइमरी एजुकेशन जो है क्लास 1 टू 8 और एज हो गया 14 इयर्स तक जो है इसको बोलते हैं। राइट टू एजुकेशन देखिएगा इसी में फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा का बात करता है। फिर उसके बाद सेकेंडरी जो एजुकेशन है उसमें देखिएगा सेकेंडरी एजुकेशन 9-10 का हो गया और जो इसी में बोर्ड का परीक्षा होता है क्लास 10 में, और फिर हायर सेकेंडरी जो बोलते हैं वो क्लास 11-12 को बोलते हैं हायर सेकेंडरी, और हायर सेकेंडरी जाने के बाद देखिएगा आपका स्ट्रीम का क्लासिफिकेशन हो जाता है, जैसे कोई आर्ट्स पढ़ता है, कोई साइंस पढ़ता है, कोई कॉमर्स पढ़ता है, और फिर वोकेशनल कोर्सेस भी शुरू होते हैं। तो इस तरह का अभी का एग्जिस्टिंग पैटर्न है। तो एग्जिस्टिंग पैटर्न के हिसाब से आपको 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे जो प्री प्राइमरी एजुकेशन है वो फॉर्मल एजुकेशन का पार्ट नहीं है, नर्सरी एलकेजी यूकेजी की पढ़ाई होती है लेकिन देखिएगा वो जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें उसको काउंट नहीं किया जाता। फिर प्राइमरी एजुकेशन हो गया 1 टू 8, तो इसमें 2 हो गया लोअर प्राइमरी अपर प्राइमरी। फिर सेकेंडरी एजुकेशन में जो है 9-10 हो गया सेकेंडरी एजुकेशन, हायर सेकेंडरी हो गया 11-12, और इसमें जो है स्ट्रीम का डिविजन हो जाता है और फिर वोकेशनल कोर्सेस जो है उसकी शुरुआत हो जाती है 12th से। तो इस तरह से एग्जिस्टिंग ये पैटर्न है। अब नया पैटर्न क्या है, तो देखिए नया पैटर्न में जो फर्स्ट 5 इयर्स है इसमें एज ग्रुप क्या है, एज ग्रुप है 3-8 इयर्स के बच्चों को इसमें शामिल किया जाएगा, और प्री प्राइमरी जो एजुकेशन है उसको फॉर्मल एजुकेशन का पार्ट बना दिया गया है, और इसमें एज ग्रुप होगा 3-6 ईयर जो एज ग्रुप का होगा, मतलब ये 3 से 8 में 3 से 6 साल के बच्चों का जो है वो प्री प्राइमरी जैसे नर्सरी एलकेजी यूकेजी का जो पढ़ाई हो रहा है या आंगनबाड़ी में उसको फॉर्मल एजुकेशन का पार्ट बना लिया जाएगा, मतलब उसको रिकॉग्नाइज कर दिया जाएगा जो अभी तक अनरिकॉग्नाइज चल रहा था। और फिर जो है क्लास 1-2 क्लास जो है यहीं से शुरू होगा, मतलब 6-8 इयर्स जो एज होगा
मतलब पहले क्लास में सिक्स ईयर की एज में जो है एडमिशन होगा, तो 1-2 इसी में शामिल होगा 5 में, और इसमें जो है फाउंडेशन मजबूत किया जाएगा और मल्टी लेवल जो है प्ले एक्टिविटी आधारित लर्निंग होगा इसमें, मतलब खेल खेल में पढ़ने वाला ये सिस्टम है और इसमें कोई भी एग्जाम नहीं होगा, समझ लीजिए। इसमें मतलब क्लास 2 तक जो है कोई एग्जाम नहीं होगा और 8 साल के बच्चे पर कोई भी मानसिक तनाव परीक्षा का दबाव नहीं रहेगा और वो फ्री एक्टिविटी के माध्यम से, प्लेइंग एक्टिविटी के माध्यम से खेल खेल में सीखना शुरू करेगा। लेकिन ये इम्पोर्टेंट चीज है। फिर देखिएगा जो 3 ईयर्स है, मतलब फर्स्ट 3 जो है वो क्या है, तो उसमें 8 से 11 साल के बच्चे जो है भाग लेंगे, स्टूडेंट्स होंगे, और फिर क्लासेस होंगे इसमें 3, 4 और 5 क्लासेस होंगे, और फिर इसको बोलेंगे प्रीपरेटरी स्टेज, जैसे वो फाउंडेशन स्टेज था, और ये प्रीपरेटरी स्टेज होगा, इसमें प्लेइंग मेथड से और डिस्कवरी मेथड से और एक्टिविटी मेथड से क्लासरूम लर्निंग किया जाएगा, और इसमें जो है ये सब के माध्यम से, प्लेइंग मेथड से, डिस्कवरी मेथड से और एक्टिविटी बेस्ड मेथड से जो है आपका देखिएगा इनकरेज किया जाएगा छात्रों के बीच में लिटरेसी, मतलब उसको पढ़ना लिखना आ जाए, और न्यूमरेसी मतलब उसको नंबर सिस्टम का ज्ञान हो जाए, तो इस पे फोकस किया जाएगा। तो अब यहां से परीक्षाएं शुरू होगी, इसके पहले परीक्षाएं नहीं है, परीक्षाएं 3 लेवल पे होंगी, क्लास 3 में होगा, 5 में होगा, 8 में होगा और 12 में होगा, इतना ही परीक्षा होगा। मतलब ये देखिएगा कि एग्जाम सेंट्रिक सिस्टम है इसमें, इसमें देखिए खाली एग्जाम है, एग्जाम है हर क्लास में एग्जाम है, और इसमें देखिएगा ये एग्जाम सेंट्रिक नहीं है, ये मेमोरी बेस्ड नहीं है, बल्कि कैपेसिटी बिल्डिंग किया जाएगा प्लेइंग मेथड से, डिस्कवरी मेथड से और एक्टिविटी बेस्ड मेथड से और एक्सपीरियंस लर्निंग से। अब उसके बाद से जो सेकेंड वाला 3 ईयर्स है उसमें जो है एज क्या होगा, तो एज होगा 11-14 ईयर्स एज होगा, और इसमें क्लास कौन से होंगे, तो 6, 7, 8 की पढ़ाई होगी, और इसमें मिडिल स्टेज जिसको बोला गया है मिडिल स्टेज, जैसे ये फाउंडेशन लेवल हो गया और ये हो गया प्रिपरेटरी स्टेज और ये हो गया मिडिल स्टेज, तो इस पे एक्सपेरिमेंटल लर्निंग किया जाएगा इन साइंस में, आर्ट्स में, सोशल साइंस में और ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स में, और इसमें भी एग्जाम होंगे क्लास 8 में, इसमें 5 में एग्जाम होंगे, इसमें 8 में, 3, 5, 8 में एग्जाम होंगे, ये हो गया। फिर उसके बाद जो 4 जो है, 5+3+3+4 जो है, उसमें एज ग्रुप कौन सा होगा, तो 14 से 18 ईयर्स का एज ग्रुप होगा, यहाँ भी आप 18 साल में इंटरमीडिएट पास करते थे प्लस 2, यहाँ भी 18 साल, ये मत समझिएगा कि इसमें समय ज्यादा लग रहा है। फिर उसके बाद इसमें क्लासेस कौन से होंगे, तो क्लासेस होंगे 9, 10, 11, 12, और इसमें सेकेंडरी स्टेज में मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी किया जाएगा, ग्रेटर थिंकिंग, फ्लेक्सिबिलिटी और स्टूडेंट चॉइस ऑफ सब्जेक्ट, मतलब यहाँ पे जो आर्ट साइंस का डिवीजन हो रहा था वहां पे वो डिवीजन नहीं होगा। देखिएगा एकेडमिक सब्जेक्ट भी लोग पढ़ाई करेंगे, स्पोर्ट्स भी करेंगे, म्यूजिक भी सीखेंगे और वोकेशनल कोर्सेज भी करेंगे। वोकेशनल कोर्सेज देखिएगा 6 के बाद से शुरू हो जाएगा, 6 क्लास 6 से जो है वोकेशनल कोर्सेज शुरू हो जाएगा, यहाँ जो है इंटरमीडिएट के बाद से, इंटरमीडिएट से हो रहा था, प्लस 2 से हो रहा था, यहाँ 6 से हो जाएगा। तो इस तरह से देखिएगा कि यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी है, मतलब ये जो आर्ट साइंस का जो डिविजन है वो रिजिडिटी यहाँ पे खत्म कर दिया जाएगा, और कोई भी एकेडमिक सब्जेक्ट जैसे मान लीजिए कोई फिजिक्स पढ़ता है तो अभी के सिस्टम में वो केमिस्ट्री ही पढ़ेगा या मैथ ही पढ़ेगा या बायोलॉजी पढ़ेगा, लेकिन अभी के सिस्टम में वो हिस्ट्री भी पढ़ सकता है, स्पोर्ट्स भी खेल सकता है, कोई वोकेशनल कोर्सेज भी कर सकता है, मतलब रिजिडिटी जो सेपरेशन है स्ट्रीम का उसको खत्म कर दिया गया है, इसीलिए इसको बोला मल्टी डिसिप्लिनरी स्टेज होगा ये, और इस तरह से ये 5+3+3+4 का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि क्या बदलने वाला है, किस तरह से डिफरेंट है पुराने सिस्टम से। अब इसमें एजुकेशन कंटेंट जो है रीजनल लैंग्वेज में होगा, क्लास 5 तक जो पढ़ाई होगा
वो देखिएगा आपको स्थानीय भाषा में होगा, मतलब हिंदी इंग्लिश या संस्कृत का बाध्यता नहीं होगा, बल्कि तमिल तेलुगु कन्नड़ में भी स्टूडेंट्स पढ़ सकेंगे और ऑनवर्ड्स फिर उसके बाद भी वो सब उस पर विचार किया जा सकता है। तो एजुकेशन का जो कंटेंट होगा ओरिजिनल लैंग्वेज में भी होगा। फिर इनकरेज इससे ये सब जो सिस्टम है जैसे प्लेइंग मेथड है या डिस्कवरी मेथड है, एक्टिविटी बेस्ड मेथड है या एक्सपेरिमेंटल लर्निंग है, तो उससे इंकरेज होगा लिटरेसी को, न्यूमरेसी को और साइंटिफिक टेम्पर का स्टूडेंट में विकास हो और मैथमेटिकल थिंकिंग हो, इस पे फोकस किया गया पूरे ये नए एजुकेशन सिस्टम में। इसीलिए देखिए कोडिंग को भी पढ़ाया जाएगा, कोडिंग को भी देखिएगा क्लास सिक्स और उसके बाद से इंट्रोड्यूस कर दिया गया है कोडिंग। तो कोडिंग पढ़ने से देखिएगा मैथमेटिकल और कॉम्पिटेटिव जो थिंकिंग है वो डेवलप होता है। तो इसीलिए देखिएगा कोडिंग की पढ़ाई जो है क्लास सिक्स के बाद से शुरू हो जाएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद से वोकेशनल टू बी इंटर्नशिप, वोकेशनल को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, वोकेशनल कोर्सेज को क्लास सिक्स के बाद से। और फिर इंटर्नशिप भी जो है देखिएगा लोकल कोई कारपेंटर, लोकल कोई भी इलेक्ट्रिशियन, इसके यहाँ लोग जा करके ट्रेनिंग लेंगे 10 दिन बिना कोई बैगेज के जा करके, मतलब अपने च्वाइस का कोई वोकेशनल जो है ट्रेनिंग लेंगे ताकि उसमें स्किल डेवलपमेंट हो सके। तो इस तरह का ये चीज ये सब होगा ऑल्सो इंक्लूड। फिर इसमें देखिएगा कि जो गिफ्टेड चिल्ड्रेन होते हैं, जो जीनियस चिल्ड्रेन होते हैं, उनको 3-4% देखिएगा स्टूडेंट जीनियस होते हैं, उनके लिए भी इसमें है, मतलब सभी तरह का इंक्लूजन का इसमें प्रोविजन किया गया है। जैसे गर्ल्स के लिए भी है, जैसे जेंडर गैप जो हो जाता है वो सब खत्म किया जाएगा। फिर डिसेबल जो पर्सन है, 21 तरह के 21 टाइप्स ऑफ डिसेबल पर्सन है, तो उन सब का इंक्लूजन जो है इस पूरे एजुकेशन सिस्टम में हो सके, इस पे फोकस किया गया है। फिर देखिए एग्जाम कौन कौन से क्लास में होंगे, तो एग्जाम जो है क्लास 3 में होंगे, क्लास 5 में होंगे, क्लास 8 में होंगे और फिर 12 क्लास में होंगे। और क्या एग्जाम का पैटर्न होगा ये सब के लिए अलग से कमिटी बनाया जाएगा, वो सजेस्ट करेगा। बोर्ड एग्जाम का इम्पोर्टेंस को रिड्यूस कर दिया गया है, वो दो तरह का हो सकता है, ऑब्जेक्टिव नेचर का भी हो सकता है और सब्जेक्टिव का भी हो सकता है, और साल में 2 बार हो सकता है, और जिससे जो है मतलब ये जो है मेमोरी पे बेस्ड नहीं होगा बल्कि कैपेसिटी देखा जाएगा, स्टूडेंट की क्षमता का आकलन किया जाएगा, न कि रटने की क्षमता का इसमें ये किया जाएगा। तो इस तरह से देखिएगा कि जो पहले जो सिस्टम था उसमें मार्क्स का सिस्टम, कोडिंग डिकोडिंग का सिस्टम, बहुत तरह का सिस्टम था, और फिर यहां से जब आप पढ़ाई कर लेते हैं तो फिर देखिएगा नेशनल जो है टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा एक एग्जाम लिया जाएगा, NTA जिसको बोलते हैं, तो फिर आपका यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में एडमिशन होगा, मतलब एक कॉमन जो है एंट्रेंस एग्जाम लिया जाएगा और तब आपका प्रवेश जो है अलग अलग विश्वविद्यालय के कॉलेजेस में होंगे। तो ये पूरा आपको समझ में आया होगा कि जो प्राइमरी एजुकेशन है और जो सेकेंडरी एजुकेशन है वो पहले से कैसे डिफरेंट हो जाने वाला है। लेकिन ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये अभी से लागू नहीं होगा बल्कि 22-23 का जो एकेडमिक सेशन होगा वहां से लागू किया जाएगा, अभी पुराना व्यवस्था चलते रहेगा। और इसमें बहुत सारी चीजें अभी डिस्कस करना है, बहुत सारा इसमें एजेंसी और फिर टीचिंग मेथड्स है, बहुत सारी चीजों पे जो है अलग अलग देखिए कमिटी बनाया जाएगा, उसका रिकमेंडेशन आएगा, फिर उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो चलिए वीडियो में हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा और माइक्रो एनालिसिस का क्रम यह जारी रहेगा। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि टेट के एग्जाम में क्या बदलाव होने वाला है या BED जो एग्जाम है उसमें किस तरह के बदलाव होंगे, मतलब टीचर ट्रेनिंग की क्या मतलब की बदलाव होंगे टीचर एजुकेशन के बारे में, अगला वीडियो उसी पे बेस्ड होगा। तो चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार।